क्या आपके भी बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू मिसिंग है? आप समझ नहीं पा रहे कैसे मिसिंग रिव्यू को अपने बिजनेस प्रोफाइल पे वापस लाया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 91% ऐसे कस्टमर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के पहले वो ऑनलाइन जाके रिव्यू को रीड करते हैं। वो देखता है कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, उस प्रोडक्ट का कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, जो भी लोग पहले यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद में वो ओपिनियन बनाता है कि उसको प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए या नहीं परचेस करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल पे ज्यादा रिव्यू नहीं रहेगा तो जो नए कस्टमर होंगे आपके बिजनेस से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी बिजनेस के लिए रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप मिसिंग रिव्यू को अपने बिजनेस प्रोफाइल पर फिर से वापस ला सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। देखिए, सबसे पहले हमें रीजन को समझना होगा किसी बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यू क्यों मिसिंग होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट मेजर रीजन है। सबसे पहला स्टेप, यूजली किसी बिजनेस प्रोफाइल पर कभी कभी रिव्यू मिसिंग होते हैं पॉलिसी वायलेशन के कारण। जिसलाइक रिव्यू में स्पैम या फिर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का अगर यूज किया जाता है तो आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट आता है। अब बात आते हैं कि इनअप्रोप्रिएट कंटेंट क्या होता है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां से इसे रीड कर सकते हैं। तो अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल पे पॉलिसी वायलेशन के कारण रिव्यू मिसिंग हुआ है तो ऐसे रिव्यू आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिसी वायलेशन के कारण अगर आपका रिव्यू मिसिंग हुआ है उसे वापस लाना चाहते हैं, अप्रोप्रिएट कंटेंट क्या होता है इसे समझना होगा। उसके बाद में वहां पे जाके अपने बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू में उसे रिमूव करना होगा, देन उसके बाद में आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू वापस आ सकता है। सेकेंड स्टेप में, कभी कभी गूगल की गलती की वजह से भी आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू मिसिंग हो जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि जब आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हुआ है उसके बाद आपने रिकवरी की होगी तब भी आपके बिजनेस प्रोफाइल पे कभी कभी रिव्यू मिसिंग हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके से आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू मिसिंग हुए होंगे तो इनके चांसेस है कि वो फिर से वापस आ सकते हैं। तो अब बात आता है कैसे वो वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, उसके बाद में आप अपने बिजनेस प्रोफाइल पे फिर से रिव्यू को ला सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वो क्या स्टेप है। आपको इस पेज को ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। अपने बिजनेस प्रोफाइल को चूज कर लेना है, जिस भी बिजनेस प्रोफाइल में आपका रिव्यू मिसिंग है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे मिसिंग रिव्यू लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, देन आपको मिसिंग रिव्यू पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपको फिर से क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल करके फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ईमेल पे क्लिक करना होगा। अपने बिजनेस रिलेटेड सारे डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, एक एक करके अपना नाम आपको एंटर करना है, उसके बाद में जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, अगर इसी ईमेल एड्रेस पे आपका बिजनेस प्रोफाइल है तो वहीं से वो पिक कर लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का फोन नंबर ऐड करना होगा, या फिर कोई भी अल्टरनेटिव नंबर आप देना चाहते हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या रिलेशन है आपका इस बिजनेस के साथ में। तो अगर आप बिजनेस ओनर होंगे तो आप ओनर चूज कर सकते हैं, नहीं तो नीचे में बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो भी आपका बिजनेस रिलेशन है आप उसे पिक कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का एड्रेस मेंशन करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का प्रोफाइल आईडी मेंशन करना होगा। बेसिकली आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल के आईडी को फाइंड करने के लिए अपने बिजनेस प्रोफाइल पे जाना होगा, उसके बाद में आपको तीन डॉट पे क्लिक करना होगा, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में सबसे टॉप में आपको बिजनेस प्रोफाइल आईडी शो कर रहा है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। तो गूगल आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या रिसेंटली आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो सस्पेंड हुआ है या फिर डिजेबल हुआ है। अगर हुआ होगा तो आपको यस चूज करना है, नहीं तो नो चूज करना है आपको। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है प्राइमरी सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल से रिलेटेड है, तो आपको यस चूज करना होगा, अगर यस होगा नहीं तो नो चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये एजुकेशनल बिजनेस प्रोफाइल है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने बिजनेस रिव्यू आपके बिजनेस प्रोफाइल से मिसिंग हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी अप्रोक्स आपको रिमेम्बर होगा कि आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू मिसिंग हुए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर चूज करना है। क्या नए जो रिव्यू हैं आपके बिजनेस प्रोफाइल पे पब्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो अगर हो रहे होंगे तो आपको यस चूज करना होगा, नहीं हो रहे होंगे तो आपको नो चूज करना होगा। तो अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि क्या टाइम फ्रेम है जब आपके बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यू मिसिंग हो रहा था। एग्जाम्पल के लिए वो बोल रहा है क्या लास्ट वीक से आपके बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यू मिसिंग हो रहे हैं, या फिर लंबे टाइम से आपके बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यू मिसिंग हो रहे हैं। जो भी टाइम फ्रेम होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। अब बात आता है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रिव्यूअर का नाम, कोई ऐसा रिव्यूअर है जिसका नाम आपको पता है कि
उसने आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू लिखा था वो रिमूव हो चुका है, तो आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी इशू है वो मेंशन करना है। अगर आपको बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जो भी आप इशू यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे उसी बेस पे गूगल की टीम आपके बिजनेस प्रोफाइल पे एक्शन लेगी। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है रिलेटेड केस आईडी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या पहले इस फॉर्म को फिल किया है। अगर फिल किया होगा तो आपको एक केस आईडी मिलेगा। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के बाद, तो हमें एक केस आईडी मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले फिल किया होगा तो आपको वो केस आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप पहली बार फिल कर रहे हैं इस फॉर्म को तो आपको यहाँ पे ब्लैंक रहने देना है, उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमें नीचे में केस आईडी मिल चुका है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है और गूगल की टीम आपसे 7 डेज या 10 डेज में आपकी ईमेल पे कॉन्टेक्ट करेगी और वहां पे जो भी रिप्लाई होगा आपको वो सेंड कर देंगे आपके ईमेल आईडी पे। तो अगर गूगल की गलती की वजह से आपके बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू मिसिंग हुआ होगा तो वो जरूर वापस आ जाएंगे। या फिर अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी स्पैम या फिर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से रिव्यू मिसिंग हो रहा होगा तो उसे रिमूव करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों का वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और कुछ भी लिखना चाहते हैं प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा नेगेटिव रिव्यू वाला जो वीडियो है अभी तक नहीं देखा तो आप इस वीडियो को अभी देख सकते हैं।